भारत में प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व निर्माता भगवान विश्वकर्मा की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। लेकिन इसी दिन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के सुअवसर पर देश विदेश के करोड़ों लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। इस खास मौके पर एमके न्यूज ने विभिन्न सोशल मीडिया में आने वाली शुभकामनाओं का संकलन किया है। इस दौरान एमके न्यूज ने डॉक्टर हेमंत कुमार तांतिया द्वारा रचित देश को समर्पित सच्चा श्रवण अति मधुर गीत को भी सोशल मीडिया पर देखा। दिल को छू लेने वाले इस गीत के गायक, गीतकार और संगीतकार स्वयं हेमंत कुमार तांतिया जी हैं। श्री तांतिया देशभक्ति और सामाजिक विषयों पर गीत बनाने के लिए काफ़ी मशहूर हैं और कई बड़े पुरस्कार भी उन्होंने जीते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके सभी गीत नॉन कमर्शियल और राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत होते हैं। उनके देशभक्ति गीतों में भारत माता की संतान हम और तिरंगा उल्लेखनीय है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनकी गीतों की काफ़ी प्रशंसा, काफ़ी सराहना की है। संगीत, समाज सेवा और कला के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। हेमंत कुमार तांतिया और उनकी पत्नी रोसा तांतिया को कोरोना महामारी के दौरान समाज सेवा के लिए देश के तात्कालिक सामाजिक कल्याण मंत्री रामदास अठावले ने भी सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के खास मौके पर सच्चा श्रवण, जिसे डॉक्टर हेमंत कुमार तांतिया ने प्रस्तुत किया है। जमाया दौड़ो
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 73वां जन्म दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे शून्य से लेकर वैश्विक शिखर तक पहुंचे हैं? इतिहास के पन्नों से लेकर वर्तमान के नए भारत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष अद्वितीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी साबरमती से लेकर माँ गंगा के पावन घाट तक का सफर है, गुजरात के गांधीनगर से लेकर दिल्ली के लाल किले तक का सफर है, संघर्ष की आग में तपकर कुंदन हो जाने तक का सफर है, नए भारत से लेकर विश्व गुरु हो जाने तक का सफर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी संघर्ष की एक मुकम्मल दास्तान है।